हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। लेकर यहाँ तक क्या हटके एलिमेंट्स ऐड होंगे क्रिश के कॉस्ट्यूम में? कैसा था कंगना और विवेक का कॉस्ट्यूम पिछली फिल्म में? मनीष मल्होत्रा को कौन नहीं जानता है बॉलीवुड में? वो बॉलीवुड और इंडिया के फेमस डिजाइनर्स में से एक है जो मेनली सेलिब्रिटीज को स्टाइल करते हैं। अब कोई भी मूवी में किसी का कॉस्ट्यूम डिजाइन करना हो, वो भी मूवी के स्टोरी के हिसाब से, तो वो काफी डिफिकल्ट काम है और साथ ही एक इंटरेस्टिंग काम भी है। और बॉलीवुड के स्टाइलिस्ट ने सभी को आज तक बहुत खुश किया है उनके काम के साथ। अब बड़े से बड़े स्टाइलिस्ट का और ज्यादा आउटरीजस लुक रहता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही बताता है हर फिल्मों को देखकर। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्रिश एक फेमस फ्रेंचाइजी है जिसका 4th पार्ट जल्दी ही दिखाई देने वाला है। अब बाई जल्दी से ये मतलब है कि इसकी शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होगी और इस बार अलग ही वाइब क्रिएट करेगी। इस पार्ट में ऋतिक तो होने ही वाले हैं, बट एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है वो फिक्स नहीं है। ऋतिक की एक्टिंग से सभी लोग बहुत खुश है, इसलिए हर कोई चाहता है कि इस पार्ट को जल्दी लाने का कोशिश करें मेकर्स। बट अब ऑडियंस को वेट करना पड़ेगा 2023 तक इस फिल्म के आने का, क्योंकि अभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जल्दी ही। ऋतिक की एक्टिंग के साथ साथ एक और चीज से लोगों को ये फिल्म में और मजा आया था, जो है ऋतिक का ड्रेसिंग। अब ऋतिक जो भी पहने हैंडसम तो लगने ही वाले है, और उनके वो सुपर हीरो वाले ब्लैक ड्रेस ने सभी का मुंह तो बंद कर ही दिया है। बट उस मूवी में वही कॉस्ट्यूम के कारण जान थी ऋतिक की एक्टिंग और प्लॉट के बाद। अब ऋतिक के सभी कॉस्ट्यूम्स इंक्लूडिंग ब्लैक वाला भी मनीष मल्होत्रा और साथ ही रॉकी एस ने डिजाइन किया है। मनीष के साथ साथ रॉकी एस भी एक बड़ी सेलिब्रिटी डिजाइनर है और सभी पार्ट्स में उन्होंने ही काम किया है। अब ऋतिक के अलावा दो और थे जिनके आउटफिट्स उनके रोल के बारे में अच्छे से बोल रहे थे, और वो है कंगना और विवेक ओबेरॉय, और दोनों का भी विलन का रोल था पिछली फिल्म में। अब उनका कॉस्ट्यूम भी जोरदार था, प्रॉपर विलन वाला था, और इतना बेहतरीन से वो कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था कि दोनों पर काफी जज भी रहा था। अब आशा तो यही है कि फिर से ये दोनों ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर रहे इस फिल्म के, बट अगर रहे तो 4 चांद लग जाएंगे। तब ये तो हमें तभी पता चलने वाला है जब ये फिल्म की और लेटेस्ट अपडेट आएगी, सोर्सेज के थ्रू या फिर प्रेडिक्शंस के थ्रू। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।